तो दोस्तों, दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, इससे अच्छी खबर आज आपके लिए जानने के लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती, इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारी स्वदेशी उपलब्धि की बात कर लें, जिसके तहत अब हम लोग हमारे नाविक सिस्टम का ही इस्तेमाल एनीवेयर करने जा रहे हैं और अब हमें किसी भी तरह से अमेरिकन जीपीएस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे सारे चीजों के लिए तो हम लोग जीपीएस बड़ी आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन 1999 के कारगिल वॉर में हम लोगों ने देखा कि जब सबसे क्रूशियल समय था हमारे लिए, जब हम लोग युद्ध लड़ रहे थे अपनी अखंडता बचाने के लिए, उस समय अमेरिका द्वारा अपने जीपीएस सेवाएं हमें देने से इनकार कर दिया और इससे हमें तकलीफें गई, जिसके बाद भारत के इसरो ने अथक प्रयास करके अपना नाविक सिस्टम बनाया। अब नाविक सिस्टम तो बना लिया, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम लोग इसे बड़े स्केल पर उपयोग भी करें, वरना बनाने का मतलब ही क्या हो गया। पहले तो हम लोगों ने देखा कि फोन्स के अंदर अब जीपीएस की जगह नाविक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी भी वो चीज जिसके लिए हम लोगों ने स्पेशली इसे बनाया था वो बाकी था, यानी हमारी मिसाइलों को नेविगेट करने के लिए, फाइटर जेट वगैरह को नेविगेट करने के लिए, या फिर अन्य तरह के सिविलियन विमान हो गए, ट्रेन वगैरह हो गए, समय देखने के लिए, इन सब के इस्तेमाल की बारी आ जाती है। तो इसके लिए अब प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा एमएसएमई कंपनियों के साथ मिलकर अपनी कुल 7 परियोजनाओं को प्राइवेट फर्म्स और स्टार्टअप्स को दे दिया गया है कि आप इनके डेवलपमेंट का काम देखिए, ताकि ये सारे काम फास्ट ट्रैक हो सकें। अब इनमें से 6 की लिस्ट तो आप इस समय देख रहे हैं, ये सारे काम प्राइवेट फर्म्स करने जा रही है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नाविक सिस्टम के लिए रिसीवर। इसके लिए बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी नाविक चिप के विकास के लिए बेंगलुरु स्थित एक फर्म के साथ साझेदारी की है। ये सेवा काफी हद तक अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम यानी जीपीएस वगैरह के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसे समाप्त कर देगी। हमारी मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराने की क्षमता हासिल करे, दुश्मनों के ठिकानों को एक्यूरेसी से मार गिरा पाए, वहीं पर गिरे जहां पर हम लोग गिराना चाहते हैं हमारे फाइटर जेट वगैरह। तो ये सारे काम अब नाविक से होने जा रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु में एक कंपनी है जिसका नाम एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बताया जाता है, तो इसी को नाविक सिस्टम के लिए चिप रिसीवर को डेवलप करने के लिए काम दिया गया है। एंड आगे रिपोर्ट में भी बताया गया है कि किस तरह से 1999 के कारगिल वॉर में अमेरिका द्वारा पीठ दिखा दी गई थी, हमें तकलीफें गई थी, उसके बाद ये सारी कुछ चीज़ें तैयार की गई, तो वो अब भविष्य में नहीं हो पाएगी। अब दूसरी खबर की बात की जाए तो ये कतर से निकल कर आ रही है। कतर और भारत के बीच के संबंध पिछले कुछ समय में हमें देखने के लिए मिला कि कितने गड़बड़ रहे, लेकिन सडनली कुछ इस तरह से हालात परिवर्तन हो गए हैं कि अब कतर भारत का कट्टर दोस्त बनने जा रहा है। 7 जो भारतीय नागरिकों को उन्होंने अपने यहाँ पर अरेस्ट किया था, जो नौसेना के एक्स कर्मचारी थे, उन्हें भी रिलीज कर दिया। हालांकि एक 8वां कर्मचारी बाकी है, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें भी रिलीज कर दिया जाए। इसके अलावा कतर के पास जो मिराज फाइटर्स है उनको लेकर भी डील हो रही है, यानी बात डिफेंस तक पहुंच गई है। लेकिन इसी के अलावा बताया ये जा रहा है कि अब हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम कतर में भी चल पाएगा। और आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के रुपये के द्वार खोलने के लिए खिड़की के माध्यम से घुसने वाली जो चीज़ है हमारे लिए वो यूपीआई है। यूपीआई घुसकर एक मार्ग प्रशस्त करेगा, उसके बाद हमारा रुपया वहां पर चलना शुरू हो जाएगा। स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि कतर में भारत का यूपीआई इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसको लेकर सारी मंजूरियां दे दी गई है। इसके लिए बताया जा रहा है कि जो यूपीआई को संचारित करती है भारत में यानी एनपीसीआई, उनकी इंटरनेशनल ब्रांच ने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान क्यूएनबी के साथ समझौता कर लिया है। क्यूएनबी बोले तो कतर नेशनल बैंक। इस बैंक का जो प्रभुत्व है वो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका में भी बहुत बड़े स्केल पर है। तो इसी आधार पर बताया जा रहा है कि कतर के मार्केट में भी अब आपको बहुत ही जल्द यूपीआई से संबंधित क्यूआर कोड वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। आप प्रॉपर अपने कार्ड का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, जिसके लिए नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगा कतर नेशनल बैंक। और फिलहाल बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है भारतीयों के लिए भी, कतर वालों के लिए भी, क्योंकि कतर में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, बहुत सारे पर्यटक भी जाते हैं, तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएगी लेन देन वगैरह। इसके अलावा इन फ्यूचर धीरे धीरे इसी के माध्यम से व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एंड अंततः हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि भारत का रुपया इंटरनेशनली ट्रेडेबल बन जाए और बहुत बड़े स्केल पर इससे ट्रेड किया जाए, वो सारी चीजें इसके बाद पॉसिबल हो पाएगी। तो एक के बाद एक सारे देश लगभग भारत की यूपीआई का वेलकम कर रहे हैं, ये है ही वेलकम करने लायक। और सबसे बड़ी बात कि जो इसकी बैकिंग करती है भारत की अर्थव्यवस्था, वो देशों को बाध्य कर देती है कि आप यूपीआई को अडॉप्ट कर लें अपने यहाँ।